सो है कि आज हम लोग बताएंगे कावासाकी निंजा जेड 125 कब तक इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर लॉन्च करेगा, और भी हम लोग बताएंगे साथ में बताएंगे ये बाइक के अंदर क्या कुछ फीचर्स, प्राइस, माइलेज, टॉप स्पीड देख सकते हो, सारी कुछ कवर करेंगे आज के वीडियो के अंदर। सो गाइस अभी तक वीडियो के अंदर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो के अंदर गाइस एक लाइक होना चाहिए और अपने दोस्त को बस प्लीज यार शेयर करो, क्योंकि गाइस एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज यार अपने दोस्त को बस शेयर करो। सो गाइस सबसे पहले बताएंगे कावासाकी जेड 125 का जो लुकिंग है ना, बहुत ही बढ़िया लुकिंग के साथ देख सकते हो, एंड बाइक का फीचर्स को लेके बताएंगे। तो ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया सामने का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर पे मोनोशॉक यूज किया। ओवरऑल जो बाइक का जो लुकिंग है ना, बहुत ही बढ़िया लुकिंग के साथ देख सकते हो। तो अभी हम लोग बताएंगे बाइक का इंजन कैपेसिटी को लेके, यहाँ पे कंपनी यूज किया 125cc लिक्विड कूलर 4 वाल्व का इंजन यूज किया। BHP को लेके बताएंगे तो 14.5 BHP साथ में 8500 RPM के साथ, और ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया 6 स्पीड गियर बॉक्स और स्लीपर क्लास के साथ देख सकते हो, एंड बाइक का जो क्वालिटी है ना, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के साथ देख सकते हो। सो गाइस अभी हम लोग बताएंगे बाइक का टॉप स्पीड कितना हो सकता है। कंपनी जितना रिकमेंड कर रहा है 120 से 125 तक जा सकता है टॉप स्पीड, और बाइक का माइलेज को लेके बताएंगे तो 40 से 45 KMPL तक देख सकते हो माइलेज यहाँ पे आराम से देखने को मिलेगा। अभी हम लोग बताएंगे बाइक का लाइटिंग सिस्टम को लेकर, सामने पे LED हेडलाइट प्रोजेक्टर लैंप, साइड इंडिकेटर भी LED एंड पीछे का टेल लाइट भी LED। और अभी हम लोग जो बताएंगे अगर ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर आ जाएगा तो इसका मार्केट यार बहुत ज्यादा आप हो जाएगा। ड्यूक 125, हीरो एक्सट्रीम 125R, बहुत सारा जो 125cc का जो बाइक है, सारे बाइक का मार्केट क्रैश हो सकता है। तो अभी हम लोग बताएंगे कब तक इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर लॉन्च करेगा कावासाकी जेड 125। सो गाइस लॉन्च डेट को लेकर बताएंगे तो 2025 के अंदर लॉन्च हो जाएगा ये जो बाइक है ना इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। और 2025 के अंदर कौन कौन खरीदने वाला हो वो भी एक बार कमेंट करके बता देना। और ये जो बाइक है ना अदर्स कंट्री के अंदर तो बहुत दिन पहले से अवेलेबल है, बट हमारा इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर गाइस अवेलेबल नहीं था। बट अभी गाइस 2025 के अंदर कावासाकी इंडिया ने गाइस इतने कंफर्म किया जो हम लोग यार इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर भी लॉन्च करेंगे ये बाइक को। सो गाइस आज का वीडियो कितना था इंपॉर्टेंट हुआ वो भी एक बार कमेंट करके बता दो, और आपका फेवरेट बाइक कौन सा है, ड्रीम बाइक कौन सा है, वो भी एक बार कमेंट करके बता देना। सो गाइस चलिए आज का वीडियो इतना ही, एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।